की डायमेंशन कैसे, 2 मिनट में बता सकते हैं कि के की डायमेंशन इस एनर्जी वाले फॉर्मूले से निकल सकती है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, ये फॉर्मूला पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन किसके इक्वल होती है, के बी मल्टी का सॉरी बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है ना जो के, जिसकी मैंने घर से होमवर्क दी, इसको टेम्परेचर के साथ जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसकी एनर्जी, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला एनर्जी का, किसका फॉर्मूला बन जाता है, एनर्जी। तो तुम चाहो तो इसको यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हो, अल्फा की जगह अल्फा। यहाँ तक तो तुम्हारा होमवर्क है, बस तुमको किसकी डायमेंशन पता करके आनी है बच्चे, तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो ये सोल्व करके आना, फोर्थ भी बताता हूँ अभी। हालांकि के जो पूछना चाह रहे हैं, के इंटू थीटा एनर्जी बन जाएगा, तो ये भी ऐसे भी बोल सकते हो, अल्फा की अल्फा, एल की जगह एल, नीचे एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वेयर, अब याद रख लो, हाँ एम एल स्क्वेयर, वेरी गुड, टी माइनस टू, तो ये किसके इक्वल है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो अल्फा निकालना है, एल क्या है, अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, एम माइनस वन उधर चला जाएगा, एम वन सॉरी, एल भी उधर चला जाएगा, टी भी उधर चला जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, एल, एक एल से एक एल कट गया, तो देखो क्या आ रहा है, एम एम एल माइनस वन एल वन टी माइनस टू, दिख रहा है क्या, एम वन एल वन टी माइनस टू, लेकिन ये बीटा की पूछी है हमारी, तो क्या आई है अभी, अल्फा, अल्फा की, अल्फा की, तुम चाहो यहाँ पुट कर देना, फिर तुम्हारी किसकी भी आ जाएगी, बीटा की आ जाएगी, बीटा, आ बीटा। जाएगी। तो कर लोगे ये बड़ी, ट्राई करके आओगे अब दोबारा, फोर्थ पे क्या बोल रहे हैं, फोर्थ में तुम्हें इक्वेशन, देखो जेई में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगना चाहिए इसमें, तो पोजीशन को क्या बोल रखा है इसने, एक्स अल्फा, एक्सेलरेशन स्पीड को क्या बोल रखा है, एक्स बीटा, एक्सेलरेशन को क्या बोल रखा है बच्चे, एक्स पी, ऐसे ही बोल रखा है ना, यस यस सर, इसका हिंट देखो फटाफट सर, पोजीशन को बोल रखा है, पोजीशन मतलब एक किस्म से क्या, पोजीशन मतलब क्या, बोलो बोलो बोलो, एक सेकंड, किसी बच्चे जिसके भी जॉइनिंग में किसी को दिक्कत हुई है क्या, नो नो सर, मैं अभी मैसेज कर दूँ, मैसेज पहुंच गया ना, अच्छा चलो यहाँ तक आ, तो अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा था सर, पोजीशन की जगह तो एक्स अल्फा, पोजीशन है क्या एक किस्म से लेंथ, तो पोजीशन की जगह लेंथ लिखो, ये किसके इक्वल है, एक्स अल्फा के लिए, ऐसे ही स्पीड की जगह है एक्स बीटा, स्पीड है क्या एक्चुअल में, स्पीड की डायमेंशन तो ये किसके इक्वल है, एक्स बीटा, ऐसे ही एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है, माइनस टू, तो ये किसके इक्वल है, एक्स टी के, ऐसे लीनियर मोमेंटम क्या है, एम एल टी माइनस वन, ये किसके इक्वल है, एक्स क्यू के, ऐसे ही फोर्स किसके इक्वल है, बार बार एम एल टी माइनस टू, ये किसके इक्वल है, एक्स रेस टू पावर आर, तो ये सारी तुम्हें दी गिवन है बच्चे, अब तुमने ये इक्वेशन वन मान लो, ये इक्वेशन टू मान लो, ये इक्वेशन थ्री मान लो, ये फोर मान लो, ये फाइव मान लो, अब तुमको बताना है अल्फा प्लस पी प्लस टू बीटा, अल्फा कहाँ है, ये रहा सर, प्लस पी पी, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो या क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, अल्फा और पी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, साथ में क्या पूछा इसने, बीटा का रिलेशन, तो बीटा वाली इक्वेशन कौन सी है, तीसरी वाली, तो तीसरी वाली इक्वेशन को जो उसका आंसर आए उसके साथ डिवाइड कर दो या क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिलेशन आ जाएगा, एक एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, जैसे फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करो, फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो, करना एल से एल टी माइनस टू को डिवाइड करो, सेकंड डिवाइडेड, हाँ बोल, एल डिवाइडेड बाय एल टी माइनस टू कर दिया, और उधर से भी करो फिर
एक्स अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स की पावर पी, यही होगा ना? यस सर। तो क्या बचेगा, एल से एल गया तो ये टी माइनस टू, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, टी की पावर टू, और ये क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा माइनस माइनस पी। समझ में आ गया, ये इक्वेशन मान लो, एक नई इक्वेशन स्टार्ट। ऐसे ही थर्ड को डिवाइड कर दो, क्योंकि अल्फा तो आ गया अब तुम्हारे पास, पी भी आ गया, और अब बीटा चाहिए या आर चाहिए, तो बीटा और आर के लिए थर्ड इक्वेशन को यूज कर लो। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है बच्चे, एल टी माइनस वन किसके इक्वल है, एक्स की पावर बीटा के। एल टी माइनस वन किसके इक्वल है बच्चे, एक्स की पावर बीटा के। तो ये हो गया, अब इन दोनों को भी क्या कर दो, चाहो तो डिवाइड कर दो या क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना चाहो या डिवाइड करना चाहो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चाहो तो डिवाइड कर लो, चाहे तो क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। अब चाहो तो देखो यहाँ पर ना टी की टर्म आए, मैं चाहता हूँ अगर सब कुछ कट जाए मेरा, टी की स्क्वायर से कुछ कट जाए, तो मैं ये वाली इक्वेशन भी ले सकता हूँ, मैं ये वाली भी ले सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर है। अब मैं एक एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ, तो एल टी माइनस वन को अगर टी स्क्वायर इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स की पावर अल्फा माइनस पी। क्या यही आ जाएगा, क्या इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया मैंने, यस सर, इन वाली से, इस वाली से, तो कर दो टी के स्क्वायर से टी की पावर माइनस वन, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बीटा माइनस अल्फा माइनस पी, माइनस पी या प्लस पी, प्लस पी, प्लस पी, प्लस पी, ठीक है। तो अब ऐसे ही जाओ के कंपेयर करना, अब इनमें से किसी चीज को कंपेयर कर दो किसी भी इक्वेशन के साथ, चाहे इसके साथ कर दो चाहे इसके साथ कर दो, एक्स वाली वैल्यूज को एक्स के साथ कंपेयर करो, फिर चेक करो कि क्या आंसर आ रहा है मेरा। बस तुमको इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए बच्चे, ये अभी भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बार और ट्राई करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जब तक खुद हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक क्लियर नहीं होने वाली चीजें। समझ में आ रहा है, यस सर। फर्स्ट और सेकंड हलवा क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड में तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, नो सर। थर्ड का मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, ये 90% अब सोल्व हो गया मेरे से ही, तो 10% तो तुम कर लोगे क्या, यस सर। तुम्हें थोड़ी सी एफर्ट डालना, ज्यादा डालने पड़ेंगे, मैंने इक्वेशंस बनवा दी, अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है एक बार तुम अपना हाथ चलाओ इस पर, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करो, फोर्थ को फिफ्थ से, जैसे तुमको करना है यही तो दिमाग चलेगा। अगर तुम्हें यही बता दूंगा कि कौन सी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है तो फिर दिमाग चलेगा क्या, इक्वेशन भी मैं बनवा दूं और मैं ये भी कह दूं कि बच्चे इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, फिर तो फिर वो तो मैंने ही बता दिया, फिर ये होमवर्क कैसा हुआ, है ना, समझ रहे हो, yes, sir. Yes, sir. पूरा हिंट दे दिया तुम्हें 80% की कैसे कैसे करना है। थर्ड का तो आराम से हो जाएगा, फोर्थ में मैंने सारी इक्वेशंस बना दी, इससे बाहर इक्वेशंस नहीं बनेगी इसमें, पक्की बात है। बस अब इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है वो तुमको सीखना, करके आओगे, अगर फिर भी नहीं हुआ तो कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा ही सोल्व करवा दें, ठीक है। आज इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज का होमवर्क थोड़ा कम मिलेगा तुम्हें, इसलिए ये कर सकते दोबारा से ट्राई, आज का टॉपिक बहुत आसान सा होगा। चलो करें आज का स्टार्ट, किसकी आवाज आ रही है, चलो आज हम बात करेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, राउंडिंग ऑफ, ये सब क्या हो रहा है। अब ये क्योंकि रिकॉल तो हो गया हमारा, रिकॉल तो डायमेंशनली का डराइव कैसे करना है, अब तो इसका रिकॉल का कोई फायदा है नहीं, कि तुम्हें पता चल गया अभी हमने रिवाइज ही करी है ये सब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन सी डिजिट पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में भी, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता चलता है कि क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं सर, उसके कुछ रूल्स होते हैं। एक सेकंड बच्चे,
ओह शिट, मैंने दूसरे ग्रुप में लिंक मैसेज कर दिया था यार। चलो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ बताओ क्या कह रहे थे, कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है कौन सी नहीं होती। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जीरो जरूरी मतलब सिग्निफिकेंट को ऐसे देसी भाषा में समझोगे तो क्या, जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। हाँ सहजल बोलो। हाँ बिल्कुल, देखो जो भी नॉन डिजिट जीरो, जो नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सारी सिग्निफिकेंट होती है, पहली बात तो ये क्लियर है। हाँ सर, ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये 5003, पहले अगर 005 लिखता तो कोई बात नहीं थी, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर थी, लेकिन अब कितनी हो गई सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस आएंगी, वो कैसी होंगी बच्चों, सिग्निफिकेंट। क्लियर है। जैसे इसके अंदर देखो 4 हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर कितनी होगी 1 2 3 3, इसके अंदर कितनी होगी 6। क्लियर है 6 6। चलो आगे, अब लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट, उसके कोई वैल्यू ही नहीं है, 5 से पहले वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितनी हो गई 254 से पहले तो जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 3। इसकी कितनी हो गई 3। जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस, मतलब नंबर्स के राइट में वो भी सिग्निफिकेंट है, जैसे ये 2.00 है, इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। वैल्यू को काउंट किया, ऐसे इसकी कितनी हो गई 3.34। ऐसे इसकी कितनी हो गई, ये वाली काउंट करूं क्या, नहीं तो सिर्फ ये वाली करूं, तो 2 और 2 4। क्लियर है, एक्सपोनेंशियल में तुमने नहीं करना। देखो मैं वही कह रहा था, बहुत बच्चों की क्लास आज ज्वाइन हो नहीं पाई, या हो गई, स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या हमें, बच्चे फिर आप एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लो। अंजलि ठीक है, हाँ देखो, अब इन एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर मान लो 2 × 10⁻¹⁰ है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितनी होगी 1। इसके अंदर कितनी होगी सर 2। इसके अंदर कितनी होगी सर 1 2 3 4। पॉइंट के बाद जीरो की कोई ना कोई वैल्यू होती है, राइट, सिग्निफिकेंट होती है मतलब। तो ये सब समझ में आया, पहले वाली जीरो नहीं है, बाद में अगर बीच में पॉइंट हो उसके बाद कोई जीरो हो तो उसकी वैल्यू है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट है, और एक्सपोनेंशियल की कोई वैल्यू।
बच्चों आवाज आ रही है सबको? यस सर। थोड़ा इशू क्योंकि बारिश ज्यादा चल रही है यहाँ पर थोड़ा, तो इसी वजह से नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया, इसी वजह से डिस्कनेक्शन हो रहा। That's why थोड़ा सा इशू हो गया यहाँ, सो सॉरी, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. तो अब यहाँ पर तुम बताओ मुझे इसकी कितनी डिविजन होंगी, कितनी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बताओ। ये इसका करेक्ट आंसर बता दो मुझे। 2.0 किलोमीटर को तुम कैसे लिख सकते हो? ये दो क्वेश्चंस कंबाइंड हो गए, एक तो मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख रहे हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो 2 किलोमीटर को कैसे लिखोगे तुम बताओ? होता तो 2000 मीटर है। अब एक बात बताओ, साइंटिफिक नोटेशन किस किस को पता है, है ना? तो बताओ सी ऑप्शन। ना हमेशा कैसे रखेंगे हम, पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद ही आंसर में निकालेंगे, जीरो लिख देंगे। अगर मान लो मेरा आंसर आया 3560 तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चे? 3.5 56 इनटू में क्या, 10 की पावर 3। क्लियर है ना? Yes. इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है? क्लियर है? 3 3 3 3 चले? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अभी हम क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात, तुमको सबको पता होगा सर, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इसका आंसर यही आएगा ना, 2 into 10 yes, sir. Yes, sir. नहीं लिख सकते इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आओ, इसको कैसे लिखोगे? अभी अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो कितनी थी इसके अंदर 2 किलोमीटर में? 2 क्योंकि पॉइंट के बाद तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमने, अब ध्यान से देखो उसका आंसर मिलेगा तुम्हें। सबने बोला था ये ऑप्शन क्यों, क्योंकि इस ऑप्शन में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 इसकी बात करेंगे तो कितनी है सिर्फ इसमें? 1 याद रखना, कई कहेंगे कि 1 2 3 4 क्योंकि पीछे वाली जीरो तो काउंट होती है, लेकिन वो पीछे वाली जीरो कब काउंट होती है, जब वो किसके बाद हो, डेसिमल। ये इसके अंदर 2, इसके अंदर सिर्फ कितनी आएगी 1, इसके अंदर कितनी होगी? 1 1 1 1 1 तो देखो 1 1 2 होना चाहिए, आओ देखें 1 1 2 तो हमारे क्वेश्चन के साथ कौन सी मैच हो रही है, 2 वाली, तो इसलिए क्लियर है ना सबको? आज थोड़ा सा इशू हो गया बच्चों के कनेक्शन में भी, यहाँ पर भी ऑटो एडमिट बार बार ऑफ। हाँ परमिंदर, आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे? अच्छा तो यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट वे आओ। अब इसका तुम करो, कैसे करोगे? इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 2 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
ऑप्शन ए ऑप्शन ए इसके पास कितनी फिगर कितनी है टू इसके पास थ्री इसके पास थ्री थ्री चेक करते हैं तुम्हारा सही आया बिल्कुल क्लियर है यस सर आएगा या ए आएगा बताओ फटाफट ए ऑप्शन ए क्लियर है तो ये सब थे हमारे क्वेश्चंस नॉर्मल वाले थे हाँ आजकल बेसिक लेक्चर है अब राउंडिंग ऑफ के रूल्स तो सबको पता होता है भाई अगर नंबर लेस देन फाइव हो तो प्रीसीडिंग डिजिट को कोई दिक्कत ही नहीं है अगर जैसे फॉर एग्जांपल 3.72 है तो टू नंबर जो सेकंड नंबर है ये वाला मतलब ये टू डिजिट है जो वो पांच से बड़ी है या छोटी है छोटी इसको हम ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं छोड़ सकते हैं तो 3.72 को जब अप्रोक्सीमेट करूंगा वो 3.7 ही हो जाएगा सिंपल बट अगर 5.76 होता
तो देखो ये वाली डिजिट जो है वो पांच से बड़ी है या छोटी है? बड़ी। इसकी जो पिछली वाली डिजिट है उसको एक बढ़ा देंगे, तो ये 5.76। आसान सी चीजें हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे। अच्छा ऐसे ये 5.652, अगर ये पांच भी आ गया, अब भाई ये तो पांच से बड़ी थी पांच से छोटी थी, लेकिन अगर ये क्या हो गया एग्जैक्टली पांच आ गया, जैसे ये रहा 5.65, तो ये जो नंबर है ये ना पांच से छोटा है ना पांच से बड़ा है, ये तो इक्वल पांच है, तो इसकी जो पीछे वाली डिजिट है उसको फिर पे हम एक बढ़ा देंगे, एक क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, जैसे बढ़ा देंगे 5.7, 5.7 8 किया था तो इसमें क्या कर देंगे 5.7, ठीक है। लेकिन वो कब, ध्यान से देख लेना याद से, पांच तो आ गया लेकिन पांच के बाद इवन, पांच के बाद क्या था दो, अब क्या आया पांच के बाद जीरो, जीरो। अगर जीरो की बात, जीरो की बात नहीं थी, कोई नंबर था तो सीधा बढ़ा दिया, लेकिन अगर जीरो आ गया तो क्या कर देंगे छोड़ देंगे सर, वैसे का वैसे, जैसे ये 7.250, अगर पांच के बाद आता मान लो टू तो क्या लिखता 7.3। वेरी गुड, अगर टू की जगह क्या आ गया जीरो आ गया तो क्या लिखूंगा बच्चे 7.2। सबको क्लियर है ना जो मैंने बोला ये बात? हल्का सा भी कोई भी डाउट है बच्चे तो यू कैन आस्क मी, किसी को भी कोई डाउट, ओड नंबर आएगा तो फिर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या कह रहे हैं कि अगर भाई ये हो 5 या कोई भी नंबर ले लो भाई 5.65 और यहाँ पर आगे हो जीरो, पांच के बाद क्या हो जीरो, तो क्या होगा सर, तो नंबर को चेंज नहीं करना, 5.6 ही लिख देना। लेकिन अगर ऐसा हो 5.65 और आगे क्या हो तीन, दो हो तीन हो चार हो पांच हो, कोई भी नंबर हो जीरो के अलावा, तो इसमें से एक आगे बढ़ा देंगे, तो 5.6 की जगह क्या लिखूंगा, जब यहाँ पर पांच आ गया तभी मेरे को आगे जाना पड़ा, लेकिन अगर यहाँ पांच आता ही ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मान लो ऐसा होता 5.67 होता तो मैं क्या लिख देता है इसको 5.7। ये तो नंबर जब पांच से क्या हो बड़ा हो तो एक नंबर बढ़ा दिया करो पीछे वाले को, तो सात पांच से बड़ा है तो छह का क्या कर दिया सात, अगर ऐसा होता 5.64 तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसको क्या करता 5.6, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब आती है जब यहाँ पर ना पांच से बड़ा हो ना पांच से छोटा हो, अगर ऐसी हो क्वांटिटी 5.65 अब क्या हो 7.5 भी देख लो, हाँ वैसे 5.7 ध्यान से सुनना, अब आगे वाली देखेंगे, अगर आगे वाली 2 है तो क्या लिख देंगे 5.7 या 3 हो या 4 हो या 6 हो या 7, लेकिन ये 2 की जगह क्या हो जाए अगर, क्या हो जाए अगर जीरो, जीरो तो क्या हो जाएगा 5.6 का 5.6। क्लियर है ना सबको कैसे वही है नॉर्मल, चलो फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कोई डाउट नहीं है ना, चलें आगे। हाँ बच्चे बोलो पल्लवी। सर अगर 5.65 होगा फिर तो 5.6 ही लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. एक सेकंड, क्या बोल रहे हो बच्चे? सर इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग, इन इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड एंड इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन देयर इज नो चेंज, सर ये रूल नहीं होगा क्या? समझ नहीं आई मुझे क्या बोल रहे हो, अगर प्रीसीडिंग डिजिट हो 5 हो तो उसके अंदर ऐड 1 हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट में। अब जैसे इस बच्चे ने पूछा था, जैसे हमने बोला 5.75 है, मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर मान लो 5.75 है तब क्या लिखेंगे, कई बच्चे ये पूछ रहे हैं राइट, है ना? नहीं तो उसमें 5.6 लिख सकते हो, ऐसे बोल दो अगर 5.75 है, तुम ऐसे बोल रहे हो ना, तो 5.8 लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। तुमने बोला सेजल कि अगर इफ प्रीसीडिंग इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट्स, हाँ बिल्कुल सही बात है ये, एंड इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन देयर इज नो चेंज, सर ये रूल नहीं होगा, ये रूल वही तो रूल है बच्चे, ये वो जो रूल तुम पढ़ते हो वो कहाँ पढ़ते हो बच्चे,
जब नॉर्मल राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, अब यहाँ राउंडिंग ऑफ प्लस सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ और साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हो, तो तुमने वो वाला रूल किया हुआ ना, ये वाला पढ़ा हुआ तुमने। अगर ये इवन है तो इसको क्या कर दो, 5.8 कर दो, ऐसा ही कर रहा है ना, ऐसे ही कह रहे हो? Yes, हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जनरली अब हम साइंटिफिक नोटेशन में बात करते हैं तो वो ऐसे चलता है, ठीक है? तुम ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऐसे कर सकते हो, वो तो जनरली राउंडिंग ऑफ का रूल था, ठीक है? सेजल, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भी ठीक है, तुमने ऐसे बोला ना कि भाई 5.73 है तो मैं इसको 5.7 ही रहने दूंगा, अगर ये 5.76 है मतलब, तो ये अब इवन नंबर हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ा दो। नो सर। ये कह रहे हो? नो सर। फिर बताओ क्या कह रहे हो, बताओ। सर जैसे कोई वैल्यू है 5.75, तो सर जैसे 5 का तो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 7 है, ठीक है, और ऑड है, ऑड है, ठीक है, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर अगर 5.65 है तो उसको कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे कह रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ, ऐसे ये है, जैसे मैं वही कह रहा हूँ ना, ये रोल, ये राउंडिंग ऑफ तुम क्लास में पढ़ते थे, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ रहे हैं हम, तुम ऐसे कह रहे हो बच्चे, मैं समझ गया तुम्हारी बात, 5.65 है मान लो, अब ये 5 का प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा है बच्चे, 6 है, 6 है, 6 इज अ इवन नंबर, तो तुम इसको एज इट इज छोड़ दोगे, ऐसे कह रहे हो ना? यस सर। कह रहे थे कि बच्चे अगर ये हो जाए 5.75 तो अब 5 का प्रीसीडिंग डिजिट क्या है बच्चे, तो इसको तुम लिख दोगे 5.8, ऐसे कह रहे हो? यस सर। ये दूसरे तरीके से देखो, यहाँ पर हमने यही तो किया, बट इसमें यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी सर, अगर आप लिखोगे 5.95, अब आप खुद सोचो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बताओ, 6 आना चाहिए ना, उसने भी यही तो बोला है दूसरे तरीके से, बस तुमने क्या बोल दिया, अगर देखो पिछले वाली डिजिट क्या हो, ओड, तो एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसमें जनरल ये रूल देखते हैं कि कौन सा ज्यादा क्लोज रहता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है? अगर मान लो ऐसा होता 5.35, तो तुम इसमें भी क्या कर देते, तुम ऐसे देखो सबसे ज्यादा क्लोज क्या है इसके, 5.3 ही है ना, अब करने का कोई फायदा ही नहीं है आगे, तो तुम यहाँ पर भी 5.3 करोगे, और तुम्हारा रूल क्या कहता है, बोलो बोलो, तुम्हारा रूल कहता है एक बढ़ा दो, ऐसा कहता है ना? बढ़ा दो। यस सर। वो तुम्हारे ऊपर है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ साइंटिफिक नोटेशन में अगर जब भी तुम्हें पूछा जाए, जो कि बहुत कम पूछा जाएगा, तब तुमने ये वाले रूल फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर अगर ये 5 से ज्यादा है, ध्यान से, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, जिसको ड्रॉप कर रहे हो, अब वही बात है ना, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो 3 डिजिट्स में बात कर रहा हूँ, तुम किस में बात कर रहे हो बच्चे, 2 डिजिट्स में भी बात कर रहे हो, 4 डिजिट्स में भी बात कर रहे हो, वो इक्वेशन है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तुम्हें साफ में समझ में आएगा। सर यहाँ पर एग्जैक्टली लाइन अगर मैं देखूं तो देखो, अगर जिस डिजिट को तुम ड्रॉप कर रहे हो वो कितना है, मोर देन 5, अब वो बात डिपेंड करता है, वो सारा क्वेश्चन, सब सारे आंसर ठीक है, मैंने क्या गलत बोला क्या सेजल को, नहीं बोला ना, बोलो, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मैं डिजिट कौन सी ड्रॉप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5.752, अब इसको तो मैं कैसे भी अप्रोक्स कर सकता हूँ, मैं इसको 5.8 भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको 5.75 भी लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं डिजिट कौन सी ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरे को किसके रिस्पेक्ट में देखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 डिजिट्स में, मेरे को ये पूछेगा आंसर क्या पूछेगा बच्चे, वो कहेगा मेरे को आंसर चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसमें चाहिए बच्चे, 2 सिग्निफिकेंट। अब इसका आंसर क्या दोगे बताओ, 5.8। अब क्योंकि ड्रॉप जो तुमने करना है, देखो ध्यान से, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by digits other than zeros. अब digit किसको drop करना चाहता हूँ मैं, 5 को, मतलब मैं 2 digit में answer देना चाहता हूँ, अब मैं 2 digit में देना चाहता हूँ तो मैं किसको drop करना चाहता हूँ, 5 को ना, तभी तो 2 digit में answer देगा, अब अगर मैंने 5 को drop करना है तो देखो 5 के बाद क्या है, या 0 है क्या, नहीं सर, 5 के बाद क्या है, 2,
क्या करूंगा, जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है तो क्या करूंगा बोलो, अदर अदर देन द जीरो है तो उसमें एक बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, 5.88। अब जो तुम कह रहे थे वो थ्री डिजिट्स में बात कर रहे थे तो वो तुम्हारा आंसर भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कौन सी डिजिट तुमको क्या करनी है बच्चे, ड्रॉप, ड्रॉप जो ड्रॉप करनी है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ध्यान से रखो यही वर्ड यूज करना है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 or 5, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर भी 5 को करना है, यानी मेरा आंसर कितने डिजिट्स में होना चाहिए, 2 significant figures. तो 2 significant figures में जब आंसर चाहिए तो मतलब 2 digits होनी चाहिए, तो मेरे को 5 को हटाना है, तो अब 5 को हटाऊंगा लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, 0 के बाद 0 आ रहा है, तो पीछे वाली डिजिट को वैसे का वैसे छोड़ दूंगा, तो पीछे वाली डिजिट मतलब 2 को वैसे का वैसे छोड़ दूंगा। अगर यहाँ पर कुछ और होता, आंसर मेरे को 2 significant figures में ही चाहिए, तब 1 आगे बढ़ा देता अगर 0 के अलावा कुछ और होता। क्लियर है? Yes, sir. ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है बच्चे, ड्रॉप किस पे करो, ड्रॉप। आई थिंक क्लियर है। अगर अभी भी किसी को कोई भी सैजल तुझे कुछ रह गया डाउट तो भी पूछ लो बच्चे। नो सर, क्लियर है ना? तो बस ये सब डिपेंड करता है सर, मेरे को डिजिट कौन सी ड्रॉप करनी है वो हम आगे आगे करेंगे, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये हर चैप्टर में यूज होगा ना। अब जो तुम सारे आंसर लिखोगे वो सारे किस में लिखोगे बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखोगे, सारे के सारे की नोटेशन क्या होगी बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन होगी सबकी। चले आगे। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे सर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें किसनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, कैसे लिखेंगे, वो ये रूल है। देखो, जब भी किसी दो डिजिट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, दो नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो, जो फाइनल आया है रिजल्ट वो कैसी होंगी, कितने डेसिमल प्लेस होंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको हिंदी में बताऊंगा। एज देयर आर इन नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। समझ नहीं आया सर? जो फाइनल डिजिट होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, कितने, जितने जिन दो जिनको तुम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, ये दिख रहा है, नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल के बाद 2, इसके बाद कितने हैं। अब ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद दोनों में 3 मतलब 2 है, पक्की बात है ना, सबको पता चल रहा है 2। वैसे भी इसको आएगा, मैं ऐसे लिखूंगा ना इसको 4, 5, 2, ऐसा आना चाहिए कुछ। फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस आएंगे जितने क्या होंगे, लीस्ट वाले। अब लीस्ट वाले कैसे, सोचो थोड़ा, लीस्ट मतलब क्या, 2.5, सोचो। हाँ, 2.5, देखते हैं आंसर आ गया क्या, देखो कितना आ रहा आंसर, 2.5। अब ये कैसे पता चला, अच्छा इसने इसको 3 decimal place कैसे बोल दिया, डेसिमल के बाद तो 2 digits हैं, ये तो 100% है ना, डेसिमल के बाद तो 2 digits है, यहाँ पर भी 3 decimal place कैसे बोल रहा है, कोई बताएगा, टोटल नंबर काउंट, टोटल नंबर। तुम इसमें भी देखो, इसमें कितनी डिजिट्स हैं टोटल डेसिमल प्लेसेस की बात करूं मैं तो, 3। मिनिमम हमने कौन सी वाली देखनी है बच्चे, सिर्फ मिनिमम, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वाली। भाई अगर 2.24 को और 0.30 को ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 2.54, ये तो मैं निकाल देता कोई भी बच्चा, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मिनिमम वाला क्या है, 2.3। और इसको ऐसे भी देख सकते हो तुम, 0.30 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख पाते हो ना, इसके अंदर कितनी है, 3, इसके अंदर 2। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली याद रखो, मिनिमम कौन सी है सर, 2 है या 3 है, सर 2, इसमें 2, इसमें भी कितनी आएंगी, 2। हम धीरे धीरे आगे चलते हैं, तुम्हें क्लियर होगा, और एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, अब इसमें क्या निकालना है, इसमें यही करना है, ऐड करने हैं। अगर पहला ऑब्जेक्ट कितना कवर कर रहा है बच्चे, 2.5
8-1 10 मिनट्स में. दूसरा कितना कर रहा है? 5.3. तो टोटल मिनट्स में कितना होगा? इन दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आएगा? तुम खुद बताओ. डेसिमल प्लेसेस मिनिमम होने चाहिए. अब 3 है या 2 है वो तुम देखो. 8.11 ऐसे दिया क्या? Yes, sir. तो आंसर 8.1 लिखोगे या 8.11 लिखोगे? सर 8.1 मिनिमम डेसिमल प्लेसेस 2 हुए तो आ गया तो आंसर. चलो जाना चाहिए ऑप्शन. फिर बताओ सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए देख लो ऑप्शन क्या आ रहा है. सी ऑप्शन सी. सोचो सोचो. देखो बच्चे मैंने वही बोला 5.3 लिया है. क्या लिया? हाँ तो 5.3 तो गिवन है. ये तो वैसे मैंने जब हम नॉर्मल ऐड करते हैं तो वैसे ऐड करते हैं ना, तो वो लिख दिया. गिवन तो 5.3 है ना बच्चे. हाँ तुमने कौन से देखने हैं जो मिनिमम वाले हैं? इसके अंदर कितने हैं मिनिमम? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसमें कितने हैं? 3 या 2? 2. तो तुम्हारे आंसर में भी कितना होना चाहिए मिनिमम वाला? कितना है मिनिमम? 2. तो आंसर में भी मिनिमम 2 आना चाहिए. इसलिए 8.11 में तो कितनी हो जाएंगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 8.1 में कितनी आएंगी? 2. तो आंसर क्या आ जाएगा? जैसे पिछले वाले में क्या था सर, इसमें भी देख लो. इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3. इसमें कितनी है? 2. हमारे आंसर भी कितनी है? 2. क्लियर है क्या सबको? अब धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हैं ना तो ज्यादा क्लियर होता है. क्लियर है सबको? यस यस सर. अभी डाउट है तो पूछ सकते हैं. चले आगे. यस सर. यस सर. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में बात करते हैं. देखो The final result should retain as many significant figures as they are in the original number with the least significant. Least significant. आओ देखते हैं. कितनी है बताओ? 1, 2, 3, 4. इसमें कितनी है? 1, 2, 3. तो final में भी कितनी होनी चाहिए? 3. कहोगे सर इसमें क्या divide, इसमें और इसमें फिर फर्क क्या हुआ? इसमें decimal places की बात आई थी. अभी तक जो हमने करे थे by chance उसके अंदर decimal places और significant figures दोनों क्या हुई? Equal हुई. इसीलिए तुम compare नहीं कर पाए. लेकिन ये जो significant figures वाला है exact formula किस में लगेगा? Multiplication और division में. देखो plus और minus में क्या significant word use हुआ हुआ है या decimal places use हुआ हुआ है? Decimal places. लेकिन answer दोनों में same तरीके से आ रहा है. लेकिन ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि इसमें दोनों में सेम बात हो गई है. अभी मैं क्लियर कर दूंगा ये बात. लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर आओ पहले. इसके अंदर तो नॉर्मली ऐसा जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो वही आंसर में कर दो. किसमें कम है? 2.51. तो आंसर में भी कितनी आ गई? 3. अब इसको करके दिखाओ एक बारी. डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 3.43. टाइम कितना है? 1.3. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके बताओ कितना आएगा. पहले तो डिवाइड करो और फिर बताओ. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में कितनी होनी चाहिए? सिंपल सी बात सर. 2. 2. तो आंसर क्या आना चाहिए साफ बता दो सर. 2.6. तो आंसर आ गया 2.6. देखने की जरूरत ही नहीं थी. सबके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी? 2 से ज्यादा थी. इसमें ही थी 2. बाकी यही यहाँ पर फायदा हो जाता है. ठीक है. सिग्निफिकेंट फिगर देखते ही बता सकते हो. जिसकी सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम होगी, वही आंसर आ जाएगा. क्लियर है? यस सर. अब वो डेसिमल प्लेसेस वाला अभी मैं ध्यान से कराऊंगा. आगे चलते हैं. आगे आओ. अब ये बताओ टाइम बताना है तुमको. अब मल्टीप्लाई होगा. देखो ध्यान से. डिस्टेंस दे रखा है और यूनिफॉर्म स्पीड दे रखे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिवाइड ही हो रहा है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डी. सर डी. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. चेक करते हैं. यस सर. अरे हो गए तुम तो सियाने. क्लियर है सबको?
यस यस हाँ चलो आओ चलते हैं। अब बात आती है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इससे पहले हम थोड़ा सा उसकी बात करेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे भी हम आएंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा उसकी बात कर ले। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, इसके अंदर किसकी बात होगी, डेसिमल प्लेस की, और उसके अंदर कितनी आएगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, याद रखना हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आएगी इसके अंदर। तुम ऐसे ना याद रखो, तुम्हें और अच्छा तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, इसके अंदर क्या आना चाहिए सर, 2.81 सर, एक बार फिर से रिपीट करना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, जैसे ये है बच्चे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये है 3.43 डिवाइडेड बाय 1.3, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, जो आंसर आएगा उसके अंदर वो डिजिट्स आएंगी जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस के अंदर, जो क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली डिजिट के अकॉर्डिंग आएगा। कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें या इसमें, कितनी है और 1.2 हमारे आंसर में भी कितनी आएंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी, दिख रहा है सर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, किस किस में, किस में डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, किस में पूछ रहे हो सर, एडिशन और एडिशन वाला मैं अभी बता रहा हूँ, वो बहुत को डिफरेंस में दिक्कत होगी, मैं अभी दिखा दूंगा वो, लेकिन पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अच्छे से कर लो, वो समझ में आ गया सबको, यस सर, यस, क्लियर है, जिसकी नंबर कम उसी का आंसर की फॉर्म में, जैसे हमने पिछले वाला किया था ये वाला, इसके अंदर देखो किसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की, तीन, तो इसका आंसर भी इसमें आ गया। अब आ सम वाले में, जिसको बहुतों को दिक्कत हो रही होगी, आओ देखते हैं सम वाला दिखा देता हूँ, तुम देसी, तुम और इसको देसी तरीके से पढ़ो, आओ सर 2.24 0.30 यही है क्या, दिक्कत होती है समझने में, इसे नेक्स्ट वाले पे देखो, आओ इसके अंदर देखो 2.81 दिख रहा है क्या, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 5.3 डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 1 तुमने लीस्ट वाला देखना, लीस्ट वाला कितना है, 5.3 लीस्ट वाले के डेसिमल के बाद कितनी है, 1 भी डेसिमल के बाद आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ कितना पॉइंट आएगा, 1 किस में आ रहा है, अब कोई बात आएगी 8.0 सर वो तो कर ही नहीं सकते ना, 8.11 मेरा एक्चुअल आंसर था, इसको क्या मैं 8.0 लिखूंगा, क्या वैल्यू कम कर सकता हूँ क्या, 8.0 नहीं आ सकता, 8.1 ही आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वैल्यू चेंज थोड़ी हो जाएगी, वैल्यू तो उतनी रहेगी, लेकिन ये क्या कह रहा है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस आना चाहिए, क्योंकि इसमें से जो छोटा नंबर है, मतलब इसके इसके अंदर जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है वो क्या है, डेसिमल के बाद एक तो इस आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक में, क्लियर है आपको, यस सर, यस सर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, चलें आगे, यस सर, ये भी तुम देख सकते हो वैसे, हाँ 0.3 इसको हटा दो, डेसिमल के बाद एक के बाद है तो इसमें भी डेसिमल के बाद एक के बाद, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस की बात हुई है और वहां पर किसकी बात हुई है, सिग्निफिकेंट आई थिंक, अब ओके फाइन है, चले रहता है इसके अंदर, कैलकुलेशन बेस्ड है, अब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या फर्क बताते हो, बताओ क्या लगता है एक्यूरेसी क्या है, बताओ सजन सर, जो ट्रू वैल्यू होगी अगर उसी के क्लोज आएगी वो एक्यूरेसी होगी, वेरी गुड भाई, मेरा मैं चीनी तोलने गया भाई 5 किलो और मेरी वैल्यू आई 5.01 और एक वैल्यू आई 7.01 तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है, 5.01 तो ये ज्यादा एक्यूरेसी हो गई, प्रिसीजन क्या हो गया, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, फिर वो तो एक्यूरेसी हो गई ना, 5.0 के क्रॉस तो 5.01 है, हाँ बच्चों बोलो बोलो सजल, a precision may be defined as how close the different measurement agree with each other,
किसके साथ, किसके साथ, हाउ क्लोज इट विल बी टू सिग्निफिकेंट मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर, मतलब समझते हो इसका मतलब, बताओ मुझे, एक दूसरे के साथ। हाँ, और इसको अब अच्छे से समझो तो देखो कितनी बड़ी बात हो गई है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो दोनों को एक जैसा देखते हैं वो गलत देखते हैं, बहुत गली। देखो ध्यान से, एक बात है कि मैं कितना मेजर करने गया, 5 kg, तो मैंने मेजर किया 5.1, फिर मेजर किया 5.09, फिर मेजर किया 5.11, फिर मेजर किया 5.09 ही मान। अब एक बार मैं 5 kg दोबारा करने गया, ठीक है, यहां पर मैं और भी अच्छे से अगर करवाऊं ना तो मैं 5 units लिख दो, रीडिंग अच्छे से समझ में आए तुम्हें, ताकि ठीक है, मैं यहां पे गया तो 5.1 आई, ठीक है, इसमें भी 5.09, इसमें 5.11, इसमें 5.012 बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर है ना सबको क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. सब में ज्यादा ही दे दी ना हमने, एक में कम भी कर देते हैं, 4.98, और इसमें लिख देते हैं 4.99। देखो ये सारी वैल्यू 5 के करीब है या नहीं है बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर क्या आया मेरा, 6.0, 6.001, 6.02, 6.001, ठीक है, दिख रही है सबको? यस यस। बताओ कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है, इसको भी 4.98, कौन सी एक्यूरेट है, कौन सी प्रिसाइज है, इसी से आंसर पता लग जाएगा तुम्हें आराम से। 4.98 एक्यूरेट, मतलब ये एक सेट ऑफ रीडिंग है बच्चे, ये था हमारी ओरिजिनल वैल्यू, क्या थी, ओरिजिनल मेजर करना था। अब कुछ बच्चों ने ये वाली मेजरमेंट की, ये टीम ए ने मेजरमेंट की, ये टीम बी, तो बताओ किसकी ये मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है और किसकी मेजरमेंट ज्यादा बी में, सर ए, सर ए एक्यूरेट है और बी की प्रिसीजन है, तो इससे डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, एक्यूरेसी का मतलब तो समझ जाओगे इससे क्या होती है, क्या होता है एक्यूरेसी का मतलब, क्या होगा सर, एग्जैक्ट वैल्यू, हाँ, जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू के कितने करीब में है, जैसे 5 units के सारी 5 के करीब में है ना, देखो 5.09 ऐसे ही, ओरिजिनल वैल्यू के तो करीब में नहीं है, बी टीम की रीडिंग देखो है क्या, 5 किलो का 5 किलो जाएगा ना बच्चे, हर कस्टमर को ऐसे देने लग गया तो वो 5 की जगह किसका दे देगा, 6 किलो तो बिकी जाएगा सर, ऐसा तो ये एक्यूरेट होगी क्या? नो सर। लेकिन ये रीडिंग आपस में देखो कितनी मिलती जुलती है, अगर एक 6 है तो दूसरी भी लगभग बिल्कुल 6 है, बहुत फर्क कम है, 0.01 का फर्क है, ऐसे इसके इसमें भी इतना फर्क है 0.012 का, ये रीडिंग आपस में बहुत क्या है, पास पास है, कैसे है, पास 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 है ना, यानी ये आपस में क्या है, बहुत क्लोज है ना, तो जो रीडिंग्स आपस में ज्यादा क्लोज हो उनको बोलते हैं प्रिसाइज, क्या बोलते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू के ज्यादा क्लोज हो उसको क्या बोलते हैं, ये आपस में तो क्लोज नहीं है ना इतनी ज्यादा, एक 5 में आ रही है, एक 4 point कुछ में आ रही है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के बाद पास में है, इसलिए इनको एक्यूरेट बोलेंगे, ये मोर एक्यूरेट है और ये मोर precise. जरूरी नहीं है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो मोर एक्यूरेसी जिसकी अच्छी हो उसकी प्रिसीजन भी क्या हो, बहुत अच्छी हो, समझ में आ रहा है क्या, तो वो जरूरी नहीं है कि तो दोनों अलग चीजें हैं, अगर वो पहली रीडिंग 5.1 दे रहा है तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन अगर वो दूसरी रीडिंग 4.98 दे रहा है तो उसकी एक्यूरेसी तो अच्छी है लेकिन उसकी प्रिसीजन अच्छी नहीं है। उसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी तब अच्छी होगी, जैसे उसके अभी एग्जांपल ले लो, उसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी कब अच्छी होगी, फॉर एग्जांपल ये कोई इंस्ट्रूमेंट हो, 5 यूनिट मेजर करना है उसने, और वो मेजर कैसे कर रहा है तुम खुद बताओ,
पहली बार मेजर कर रहा है 5.0, दूसरी बार कितना कर रहा होगा 5.001, फिर क्या कर रहा होगा 5.002, फिर लगभग लगभग 5.00। अब देखो ये आपस में भी क्लोज है ना सारी, वैल्यू के भी साथ में क्या है वेरी वेरी क्लोज, न्यू वैल्यू के साथ ओरिजिनल वैल्यू जो उन्होंने मेजर करनी थी उसके भी पास में है इतनी वैल्यू, और आपस में भी पास में है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जिसने भी रीडिंग दी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट ने दिया है, तो वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट भी है और क्या है precise. Precise. लेकिन अगर इस इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो ये कैसा होगा सिर्फ और सिर्फ accurate. ये सिर्फ क्या होगा precise. ये क्लियर है कैसा yes, sir. Yes, sir. तो किसी को कोई डाउट नहीं आई थी क्या? किसको बताएं बच्चे, बताओ किसका? प्रिसाइज मतलब आपस में कितनी ज्यादा पास में है। अब मैं 5 किलो अगर मेजर कर रहा हूँ तो 5 किलो है नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपस में कितनी पास में है। अगर पहली रीडिंग 6.0 आई है तो दूसरी 6.00001 के आसपास आई है, तो मतलब ये बहुत क्लोज है ना आपस में। ये भी बहुत क्लोज है सर आपस में, लेकिन तो ये प्रिसाइज हो गई। लेकिन अगर पहली 6.0 आई है दूसरी 5.8 आई है, तो क्या ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है क्या? नो सर, तो ये एक्यूरेट नहीं, ये प्रिसाइज नहीं है, ये प्रिसाइज है। तो जब रीडिंग्स आपस में ज्यादा क्लोज हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिसाइज। और जो ट्रू वैल्यू के साथ जो ओरिजिनल जो मेजर करना है उसके साथ ज्यादा क्लोज हो तो उसको क्या बोलेंगे? चलिए बच्चे, जिसने पूछा था क्लियर है? Yes, sir. इसका एग्जांपल में लास्ट में भी हम लिख देंगे, इसको हटा रहे हैं अभी। देखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एज क्लोज एज पॉसिबल लेकिन टू द ट्रू वैल्यू, वो एक्यूरेसी है ना। लेवल ऑफ करेक्टनेस तो बिल्कुल वही बताएगा, है ना। अच्छा, इट कुड डिफाइंड एज द शार्प एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईदर एक दूसरे के साथ कितनी क्लोज है, तो वो प्रिसीजन है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और भी दिखाऊंगा। देखो, लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, मतलब देखो ये जो मेजरमेंट की है ये आपस में तो पास में है ना। देखो अभी वो yes, अभी डार्ट फेंकते हैं, मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, याद है ना निशाना लगाते हैं डार्ट वाला खेल, सबको निशाना वाला वो छोटा, तो वही निशाने yes, लगते हैं। एक निशाना, मेरा निशाना लगना कहाँ चाहिए? जब मैं जीत जाऊंगा गेम में, सेंटर में, तो सेंटर में लगा ज्यादा तो एक्यूरेट है ना, ज्यादा सबका सेंटर में लगा तो ज्यादा एक्यूरेट। लेकिन देखो मैंने टोटल कितने चांसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चांसेस मारे, तो इसके अंदर देखो सातों के सेंटर पे लगे क्या? नो सर, लेकिन सातों लगभग एक जगह लगे, तो ये कैसी हो गई, प्रिसाइज या एक्यूरेट? प्रिसाइज। यहाँ पर देखो सेंटर पे तो नहीं लगे ना, एक साथ लगे, तो क्या एक्यूरेट है? नो सर। यहाँ पर देखो सेंटर के आसपास लगे हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं है, तो क्या होगी? एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। यहाँ देखो सेंटर पे भी लगे हैं और बिल्कुल पास पास भी हैं एक दूसरे के, पहला जो मारा है वो दूसरे के पास में मारा, तो एक्यूरेसी भी हाई, प्रिसीजन भी क्या है? क्लियर है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन अच्छे से सर? यस सर। यस सर। अब ये इसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, इसको देख लो। अब ये रीडिंग है बच्चे, स्टूडेंट ए ने ली है, स्टूडेंट बी ने ली है, स्टूडेंट सी ने लिया, तो बताओ किसकी ज्यादा प्रिसाइज है? और मेजर करनी क्या है वैसे? टू पॉइंट एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है ट्रू वैल्यू? 2.250। तो बताओ तुम खुद किसकी एक्यूरेसी है, इसको हम हटा देते हैं। बताओ अब फिर इसको सर, स्टूडेंट बी की प्रिसाइज है। तुमने क्या बोला? स्टूडेंट बी की क्या है? प्रिसाइज ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, तो एक्यूरेसी किसकी है? ऑप्शन सी। अच्छा, ए की एक्यूरेसी नहीं है क्या? है सर, एक्यूरेसी ए की है। ए की ए से शुरू करते हैं, ए की एक्यूरेसी है
मेजर करना है तो क्या 2.25 मेजर नहीं कर पा रहा क्या ढंग से आसपास? यस सर यस सर प्रिसीजन है क्या? प्रिसीजन नो सर। तुम्हारा जो तुमने बोला ना मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है जो तुमने बोला मैं वही लिख रहा हूँ। अच्छा बी की बताओ एक्यूरेसी है क्या? साइज एक्यूरेसी है या नहीं? एक्यूरेसी है या नहीं है? यस सर यस सर। चलो देख लेते हैं प्रिसीजन है। यस सर। चलो आओ देख सी में बताओ एक्यूरेसी सर। अगर मैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी पूछूं तो जिसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है प्रिसीजन भी बहुत अच्छा है वो कौन है? ए या सी? सी होगा बच्चे। मेजर कितना करना है? 2.250 वो वही कर रहे हैं सब में, तो एक्यूरेसी भी अच्छी है और प्रिसीजन भी अच्छा है। किसका? सी का। सी का। ए का प्रिसीजन अच्छा नहीं है। आओ चेक करते हैं। इट इज क्लियर दैट द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय द स्टूडेंट, ध्यान से देखो, स्टूडेंट ए आर नाइदर प्रिसाइज नोर एक्यूरेट। भाई मेजर करना था 2.25, इसने मेजर किया 2.25 पहली में, दूसरे में क्या किया 2.27, तीसरे में क्या किया 2.26, चौथे में क्या किया 2.26। हालांकि अगर तुम नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसकी एक्यूरेसी सही है, इसकी एक्यूरेसी बच्चे गलत नहीं है, याद रखना इस बात की। अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसका एक्यूरेसी अच्छा है, समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें बहुत एग्जैक्ट वैल्यू बोल रखी है इसीलिए एक्यूरेसी नहीं। अगर 2.25 का 2.25 ही कर रहे हो तो ये क्या मान रहा है? एक्यूरेट मान रहा है, वरना एक्यूरेट नहीं मान रहा। लेकिन तुम अगर ये रियल लाइफ में करोगे तो ये तुम्हारा अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाएगा, समझ रहे हो इस बात को? गलत नहीं माना जाएगा, याद रखना है। लेकिन ये कंपेयर स्टैंडर्ड वैल्यू से कर रहा है इसीलिए इसको लेस एक्यूरेट बोला है, वरना ये भी एक्यूरेट है। अच्छा नीचे आ जाओ फिर तो, अगर इसने भी स्टैंडर्ड वैल्यू दी है या नहीं दी बताओ? दी तो है सर, दी है ना, देखो ध्यान से सर। और आसपास भी है तो देखो बी की क्या है, मोर प्रिसाइज। अब ए के कंपैरिजन के तुम्हें साफ दिख रहा है सर बी की प्रिसाइज है या नहीं है ज्यादा? यस सर। एक 2.25 सारी आपस में क्लोज है ना, देखो ज्यादा प्रिसाइज। तीसरे की तो तुम्हें पता ही है प्रिसाइज भी है और accurate. मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड वैल्यू से क्रिएट कर रहा है इसीलिए इसको बोल रहा है एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज तो ये पक्की बात नहीं है। ए प्रिसाइज है क्या? 1.25 है, 1.27 है, क्लोज तो नहीं है आपस में, लेकिन हाँ ये एक्यूरेट हो सकती है हमारे रियल लाइफ में, ये क्या है एक्यूरेट है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करो तो ये एक्यूरेट नहीं है। सर वो क्यों नहीं कह रहा स्टैंडर्ड में एक्यूरेट? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि 2.25 करना था ना मेजरमेंट, समझ रहे हो, 2.250, लेकिन मेजरमेंट कर रहा है 2.26, हो सकता है आगे जीरो भी हो या 2.26 कर लो सिंपल, तो इसीलिए इसको एक्यूरेट नहीं बोल रहा। वो एक्यूरेट किसको बोलता जब 2.25 का तुम 2.251 लिखो या ज्यादा से ज्यादा 2.252 लिखो, समझ में आ रहा है? 2.25 का 2.26 कर दिया, 2.26 कर दिया, उसका पूरा डेसिमली चेंज कर दिया, समझ रहे हो, 50 हो, 50 की जगह ऐसा समझ लो, 50 की जगह क्या कर दिया 60 कर दिया ऐसे समझो, तो फिर ये एक्यूरेट नहीं मान रहा इसको, लेकिन जनरल केस में ये एक्यूरेट होगा। अब समझ में आ रहा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब? सर होमवर्क मैंने तुम्हें सिर्फ वही देना था, तुम्हारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से करना, और कौन सा क्वेश्चन बच्चे? फोर्थ। थर्ड वाला 80% या 90% हो चुका है, सिर्फ फोर्थ वाले पे दिमाग लगाना है। और एक होमवर्क और है अपनी तरफ से, अपनी तरफ से ऐसी रीडिंग डिसाइड करके आना। क्या कह रहे हो बच्चे? आकांक्षा अपनी तरफ से ये रीडिंग एक बना के आना, जो पहला केस जो ना एक्यूरेट हो ना क्या हो प्रिसाइज, दूसरी क्या हो एक्यूरेसी हो लेकिन प्रिसाइज ना हो, तीसरा क्या हो एक्यूरेसी भी हो और प्रिसाइज क्लियर है। वो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से करके आना, किसी को कोई डाउट है तो वो भी रुक जाए,
किसी भी चीज में जो आज पढ़ा है, वरना थम्स अप करके जा सकते हो बच्चे। बाय सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? बाय सर, गुड नाइट। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके बच्चे, अटेंडेंस रुक जाओ भाई, रुक। वैसे अटेंडेंस होगी होगी, एक मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। बाय सर। ठीक है बच्चे, हो गई अटेंडेंस, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, ओके, एक सेकंड, जाओ आप लोग तो।